सोलन में डेंगू रुकने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार जिला सोलन में लगातार अपने पैर पसार रहा है। पहले तो डेंगू महज परमाणु तक सीमित था, लेकिन अब धीरे धीरे अब एक तरफ वद्दी और दूसरी तरफ जावली तक फैलना आरंभ हो चुका है। लेकिन जिला प्रशासन ने डेंगू मामले पर पहले अलर्ट जारी किया और अब लगातार डेंगू रोगियों की संख्या बढ़ने पर हाई अलर्ट जारी कर अपना पल्ला झाड़ लिया है। डेंगू रोगियों की बढ़ती संख्या के चलते अपनी किरकिरी होती देख विभाग इसकी गास एक दूसरे विभाग पर घेरने का भरपूर प्रयास कर रहा है। अगर इतना प्रयास सभी विभाग डेंगू से निपटने के लिए करते तो शायद डेंगू पर नियंत्रण किया जा सकता था। डेंगू की बढ़ती संख्या ने ये साबित कर दिया है कि विभाग अलग अलग होकर डेंगू से निपटना चाह रहे हैं और यही वजह है कि नगर परिषद स्वास्थ्य विभाग और प्रदूषण नियंत्रण विभाग आपसी तालमेल की कमी से डेंगू पर नियंत्रण नहीं पा रहे हैं। जब इस बारे में जिला स्वास्थ्य अधिकारी एन के गुप्ता से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सोलन में डेंगू के 140 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि विभाग ने जिला में हाई अलर्ट कर दिया है और 8 टीमें गठित कर दी गई हैं। जगह जगह फॉगिंग की जा रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति गंदगी फैला रहे हैं उनका चालान किया जा रहा है। अभी तक जो हमारा डेंगू के केसेज है मेनली हमारे परमाणु एरिया में निकल रहे हैं, क्योंकि परमाणु का जो टेम्परेचर है वो डेंगू के लिए इस समय बहुत सूटेबल टेम्परेचर है, और वहां पर अभी तक हमारे जो टोटल केसेज है 138 केसेज पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसमें से कि 64 जो केसेज है वो हरियाणा के हैं। हमारे 138 में से 64 केसेज जो हैं वो हरियाणा के हैं, बाकी हमारे यहाँ हिमाचल के हैं, और एक केस हमारा नालागढ़ में निकला है। अभी तक टोटल इसका मतलब 139 केसेज हुए हैं आज तक जो हमारे, मगर आज की जो हमारा वैल्यू है वो 10 केसेज रहे हैं। तो इट मींस कि बाकी दिनों में जो हमारे 15, 16, 17, 18 या 20 तक जो केस जा रहे थे उनमें कमी आई है। विभाग की तरफ से पूरा की पूरी कार्रवाई की जा रही है, फॉगिंग की जा रही है और सोर्स रिडक्शन पे पूरा का पूरा ध्यान दिया जा रहा है, और लोगों को इसके बारे में जानकारी भी दी जा रही है कि कैसे मच्छरों के काटने से बचना है। जो हमारी लाइन लिस्टिंग है उसमें जावली का कोई केस नहीं है अभी तक। जो मेनली केसेज हैं वो परमाणु एरिया के ही हैं, उसमें 2-3 सेक्टर्स थे, वहां पर हमने बहुत हाईली इंटेंसिव जो अपना एक्टिविटीज करी हैं।